कल से जो 24 तारीख से शाम को 8 बजे से ये जो कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू जो है वो इन्फोर्स किया गया है, उसी के तहत यहाँ पे मेंटल सब डिविजन में भी हमने पूरे इंतजाम किए हैं, नाकाज हमने ले किए हैं, अनाउंसमेंट्स लोगों को की हैं, लोगों को इसके बारे में अवेयर किया है। जो ये जो इन्फोर्समेंट है ये पूरी अच्छी तरीके से चल रही है, लोगों ने भी इसमें काफ़ी हमारा सहयोग किया है। और इन्फोर्समेंट के साथ साथ हमने ये भी ध्यान रखा है कि एसेंशियल सर्विसेज जो एमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको हम अलाउ कर रहे हैं ताकि लोगों को कोई किसी तरीके की कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। हाँ बिल्कुल, टेस्टिंग हमारी काफ़ी इंटेंसिव चल रही है। बीजी पे हमने पूरा टोटल हमने 100% टेस्टिंग रखी है। जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो एंट्री पॉइंट आप जानते हैं, एक बीजी है, एक डीकेजी है, तो जो बीजी पॉइंट है वहाँ पे हमने पूरा 100% टेस्टिंग रखी है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे बाकी सब डिविजन हॉस्पिटल में भी यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है। फोकस ग्रुप्स की भी, दुकानदार हो गए, ट्रांसपोर्टर्स हो गए, ऐसे जो हाई रिस्क ग्रुप हैं उनकी भी रैंडमली टेस्टिंग चल रही है। तो टेस्टिंग हमारी काफ़ी इंटेंसिव चल रही है। पब्लिक से ये अपील रही कि जो गवर्नमेंट के SOPs हैं उनको फॉलो करें, घर से बाहर जितना कम हो सके निकलें, जब भी निकलें तो फेस मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाएं। और जो भी अगर इस तरह के किसी के सिम्टम भी आते हैं, तो कोई इस तरह की कोई सिकल हिस्ट्री है, इमीडिएटली अपने जो नियरेस्ट जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पर कॉन्टैक्ट करें अपने, ताकि उनकी जो टेस्टिंग की जा सके और उनको आइसोलेट किया जा सके। अगर कोई ऐसी बीमारी किसी को अगर कहीं है तो उसको वहीं पे कंटेन किया जा सके। और वैक्सीनेशन के लिए फिर मैं आपके माध्यम से फिर से अपील करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन लोगों को, जो आज की डेट में 45 ईयर्स अबव लोग हैं वो एलिजिबल हैं, और फर्स्ट डेट से 18 साल से ऊपर वाले लोग जो है एलिजिबल है वो आगे आए और वैक्सीनेशन